तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है। उसका नाम लू जिन है। वह एक बहुत ही बड़ी कंपनी और होटल का मालिक है, मगर उसे खाने पीने का बहुत शौक है। वह अलग अलग होटल में जाकर खाना यानी फिश खाता था। कई साल हो गए थे मगर आज तक उसे अपनी पसंद का खाना किसी भी होटल में नहीं मिला। लेकिन उसे जिस भी होटल का खाना पसंद आया था तो वह उसे अपने होटल में शामिल कर लिया करता था। आज जब वह होटल का खाना बड़े मज़े से खा रहा था तब उसे उसका मैनेजर कहता है कि आप जितना वक्त खाना खाने में लगा रहे हैं उतनी देर में तो हम पूरा होटल खरीद सकते हैं। जो सुनकर लू जिन को बहुत उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मेरे लिए खाने पीने से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। होटल की मीटिंग इतना ना खरीदना कुछ भी नहीं, जिसके बाद वो मैनेजर को इस बात पर कंपनी से ही निकाल देता है। अब लू जिन अपने ऑफिस का जा रहा था तो उसकी अभी उसी पार्किंग एरिया में उसे एक लड़की दिखती है जो उसकी गाड़ी पर स्क्रैच कर रही थी। इस लड़की का नाम शेंग था। वो भी इस कहानी की दूसरी मेन कैरेक्टर है। दरअसल शेंग की दोस्त ने उसे कहा था कि तुम दूसरे फ्लोर पर जाकर वहाँ खड़ी एक ब्लैक गाड़ी पर स्क्रैच कर देना, क्योंकि मैं उसके दोस्त की थी जिससे वह बदला लेने जाती थी। उसने उसे धोखा दिया था। लेकिन जब शेंग को लू जिन से पता चलता है कि वो सेकंड फ्लोर पर नहीं बल्कि थर्ड फ्लोर पर है और ये गाड़ी वो उसकी नहीं है जिस पर वह स्क्रैच करना ही है बल्कि लू जिन की है, तो वह उस बात का बुरा लगता है। इसलिए उससे माफ़ी मांगती है और वो कहती है कि जरूर जरा रुकिए, एक मिनट में इसे ठीक कर सकती है। वो स्क्रैच को तो ठीक नहीं करती बल्कि वो स्क्रैच करके वहाँ एक दिल बना देती है ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। अगर इसे देख कर तो लू जिन का और गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। शेंग अपने दोस्त और डॉग के साथ किराए के घर पर रहा करती थी। वो एक काफ़ी बड़े होटल की शेफ थी, मतलब कि वहाँ पर उसे खाना बनाया करती थी, मगर उसकी डिशेज किसी को भी पसंद नहीं आती थी क्योंकि वो हमेशा पुराने और आम डिश बनाया करती थी। शेंग अपने होटल के मैनेजर को पसंद करती थी। मैनेजर भी उसे ऐसा दिखाव करता था जैसे वो उसे प्यार करता है। और आज जब शेंग कहती है कि आज हम अपनी बातों को आगे ले जाना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए, तब मैनेजर इसके लिए साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे तुम जैसी सूखी कमज़ोर लड़कियां नहीं पसंद, मुझे अच्छी सेहत वाली लड़कियां पसंद है, सॉरी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जो सुनकर शेंग का दिल एकदम टूट जाता है। इसके बाद लू जिन उसी होटल में आता है जहाँ की शेफ शेंग थी। होटल के वर्कर्स को पता था कि लू जिन एक बहुत बड़ी होटल और कंपनी का मालिक है। अगर मैं इसे होटल का माहौल और खाना पसंद आ गया तो अपने होटल में शामिल कर लेगा, तो इसलिए होटल के सारे वर्कर्स उसके आगे पीछे हो जाते हैं। लू जिन अपनी एक साथी को और वर्कर के साथ इस पूरे होटल को चेक करता है। इसके बाद होटल का सीनियर शेफ लू जिन को अपने होटल की सबसे मशहूर डिश सर्व करता है, मगर लू जिन को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वह तुरंत उसे उगल देता है। जिसके बाद वह शेफ लू के सामने एक डिश पेश करते हैं मगर उसे अभी भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद मैनेजर शेंग के पास जाकर कहता है कि क्या तुम कोई ऐसी चीज़ बना सकती हो जो लू जिन को पसंद आए, जिसे सुनकर सीनियर शेफ कहता है कि ये तो सलाद तक नहीं बना सकती, डिश क्या खाक बनाएगी। जिसके बाद शेंग वहाँ पड़ी हर एक चीज़ को सूंघने लगती है और एक नई डिश तैयार करने में लग जाती है। काफ़ी सोच समझकर आखिरकार वो एक डिश बना ही लेती है, मगर वो यह नहीं जानती थी कि जिसके लिए वो बना रही है वह और कोई नहीं बल्कि वही इंसान है जिसकी गाड़ी पर वह स्क्रैचेस किए थे। और जब लू जिन को उन डिश को खाता है तो वह दंग रह जाता है, उसके होश उड़ गए थे। उसे यह डिश बेहद ही पसंद आई थी और क्योंकि वह खुद भी एक अच्छा शेफ था इसलिए उसे खाने में हर वो चीज़ महसूस हो जाती है जो शेंग ने उसमें डाली थी। वह उस डिश को खाकर ख़त्म ही कर देता है। उसे वह खाना इतना अच्छा लगता है कि वह अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। वह होटल के सारे वर्कर और यहाँ तक कि मैनेजर और सीनियर शेफ भी शेंग की डिश की तारीफ़ करते हैं और उसका हौसला बाजाई करते हैं, वे तालियां बजाते हैं। अब लू जिन अपने साथी को कहता है मेरी सारी मीटिंग को खाने के लिए अब किसी से नहीं मिलना, मैं यहीं रहूँगा और यहीं का खाना खाऊँगा। अब शेंग को दिखाया जाता है कि वो काफ़ी दुखी नज़र आ रही थी क्योंकि उस मैनेजर से उसका रिश्ता ख़त्म हो गया था, इस वजह से वो काफ़ी शराब पी लेती है। वो होटल की छत पर जाकर खूब शराब पी लेती है। इसे इतना ऐसा हो गया था कि वह अपनी बालकनी में गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर लू वहाँ आ जाता है और पूछता है कि तुम इस वक्त मेरी बालकनी में क्या कर रही हो, रुको जरा मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। मगर अब शेंग बहुत ही नशे में थी इसीलिए वो लू का पैर पकड़ लेती है और उसे मैनेजर समझ लेती है और उससे कहती है कि तुमने मुझसे शादी के लिए इनकार क्यों किया, क्या मैं तुम्हें इतनी बदसूरत दिखती हूँ, मैं बिल्कुल भी प्यारी नहीं हूँ। इतना कहकर शेंग नशे की हालत में वहीं सो जाती है। लू जिन उसे सबक सिखाने के लिए एक सूटकेस में बंद कर देता है और अपना साथ ले जाकर लिफ्ट में छोड़ देता है। और जब होटल के वर्कर यह देखते हैं कि शेंग सूटकेस में बंद है तो वे घबराते हुए चिल्लाने लगते हैं और यह समझने लगते हैं कि लू ने शेंग के साथ बदतमीजी किया है, इसलिए वो पुलिस को बुला लेती है और पुलिस आकर लू को पकड़ लेती है और इस पर जेल में बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद लू का साथी और शेंग की जमानत करवा देते हैं। इनके साथ यहाँ शेंग भी थी।
जिनकी दोस्त सेंग को कहती है कि लू ने आपके साथ जो भी किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। फिर अब ये दोनों यहाँ से जाने लगती हैं। लू से कहती है कि आप हट जाइए वहाँ से, एक गंदी जगह पर खड़े हैं, वहाँ पर एक गंदी चीज़ पड़ी है। और तभी वहाँ लू का साथी गाड़ी लेकर आता है और लू अपने जूतों को वहीं फेंककर गाड़ी में बैठ जाते हैं और फौरन वहाँ से चले जाते हैं। यह देखकर दोनों लड़कियाँ हंसने लगती हैं। अब अगले दिन शेंग होटल में एक पेट से एक लड़के की छतरी उतार रही थी जिसे एक शरारती लड़के ने मधुमक्खी के छत्ते में फंसा दिया था। ऐसा करने से मधुमक्खियाँ अपने छत्ते से उठकर उन सब पर हमला कर देती हैं, जो देखकर सारे बच्चे उस शेंग वहाँ से भाग जाते हैं। मगर वो सारी मक्खियाँ लू को काट लेती हैं क्योंकि ठीक इसी वक्त पर वो वहाँ से गुजर रहा था। ये मक्खियाँ उन्हें काट कर पूरा ही चेहरा सुझा दिया। सेंग एक बार फिर वहाँ से आकर उनसे माफ़ी मांगती है, जिस पर लू अपने साथी को कहता है फौरन एक गाड़ी बांधो क्योंकि जब ये मेरे पास होती है तो मुझे मेरे पास अपने आप आ जाती है, यह मेरे लिए खुद एक खतरा बन जाती है। अगर आप मेरा करीब आएंगी तो अलार्म बज जाएगा जिससे मैं चौक करना हो जाऊँगा, इससे कहीं दूर चला जाऊँगा। तो लेकिन अभी लू ये भी जन नहीं जानता था कि जिसके खाने को वह दीवाना है वह और कोई नहीं बल्कि सेंग है। वो इसके लिए मनपसंद खाना बनाती है, यहाँ तक कि सेंग को भी यह बात पता नहीं थी कि उसकी डिशेज का जो सबसे बड़ा दीवाना है और कोई नहीं बल्कि लू है, क्योंकि लू होटल में ही रह रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में लू कोई ना कोई डिश बनाने के लिए कहता था जिसे सेंग बना बना कर उसके लिए भेजती थी। वो एक के बाद एक नई डिश को बनाकर बड़ी अच्छी तरीके से लू के पास भिजवा दिया करती थी, जिन्हें लू बड़े मजे से चाव से खाया करता था। इसी रात होटल का मैनेजर शेंग के पास आकर उससे कहता है कि मुझे मोटी सेहतमंद लड़कियाँ पसंद नहीं बल्कि तुम जैसी स्मार्ट लड़की पसंद है, मैं अब जिम जाने लगा हूँ कि तुम अब ऐसा करो आज रात मेरे साथ घर चलो जिसके बाद हम शादी कर लेंगे। मैनेजर की बातें सुनकर शेंग को काफ़ी गुस्सा आ गया था, इसलिए उसे काफ़ी बुरा भला कहकर गालियाँ भी देती है और उसे वहाँ से भगा देती है और खुद भी वहाँ फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात में जब वो अपने दोस्त के साथ घर पर थी कि उसने कहा आजकल मैं होटल में बहुत ही मशहूर फ्रेंड लगती हूँ, मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है क्योंकि अपने होटल के नए मालिक के लिए मुझे डिशेज बनाती हूँ जिससे वो खुश हो जाए और मुझे अपने होटल का सीनियर शेफ बना दे। अगले दिन जब रिपोर्टर लू का इंटरव्यू लेने आते हैं तब सेंग को पता चल जाता है कि अब तक वह जिसे परेशान करती आई है वह बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक है और यह कोई नहीं बल्कि वही है जो इनके होटल को खरीदने वाला है, यानी कि होटल का आने वाला मालिक यही मेरे खानों का दीवाना है। तो इसलिए लू को खाने में दिल खोलकर मिर्च मसाला डालती है ताकि उसकी बार वो उसके खाने को पसंद ना करे और ये उससे दूर चली जाए, मगर ये उसका प्लान काम नहीं करता क्योंकि तो खाना खाते हुए लू की आंखों में से पानी आता है तेज मिर्ची की वजह से। लेकिन उसे खाने का जायका बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वह अब लगातार खाते ही जा रहा था, लगातार बस खाते ही जा रहा था। सबसे आखिर में लू के लिए उसे एक केक बनाकर भेजती है जिसमें हर वो चीज़ डाली थी जो लू को बेहद ही पसंद थी। जाहिर है कि केक भी उसे बहुत पसंद आता है, केक खाने के बाद तो वो इतना दीवाना हो गया था कि उसे घर से मिलने के लिए बेताब हो गया था जो उसके लिए खाना बनाती आ रही है। वह उसे उनके सामने ना जाने से मना कर देती है, तब लू खुद किचन में आ जाते हैं उससे मिलने के लिए, मगर अब भी सेंग उनके सामने नहीं आती बल्कि वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे डर था कि अगर उन्होंने उसे देख लिया तो वो मुझे काम से निकाल देगा। थोड़ी देर के बाद जब लू वॉशरूम में था तो वहाँ एक चम्मच आकर गिरती है जिसे कोई वॉशरूम के अंदर से ही नीचे से हाथ डालकर उठा लेता है, जो देखकर लू को लगता है कि जरूर यहाँ कोई चोर है, इसलिए वो वॉशरूम के दरवाजे को लॉक करके वहीं छुप जाते हैं। और जब वॉशरूम से बाहर सेंग आती है तो वह चुपके चुपके भागने लगती है, पर लू उसे पकड़ लेते हैं और गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गए, मगर मुझे पता है क्यों नहीं चला, क्यों क्या क्या है तुम्हारी गाड़ी उस पर अलार्म क्यों नहीं बजा। उस पर सेंग कहती है कि असल में वो बैटरी लो हो गई है। अब तभी वहाँ एक आदमी आकर जब दरवाज़ा खोलता है तो सेंग वहाँ से भाग जाती है, मगर अब जब लू वॉशरूम में उसकी शेफ वाली ड्रेस देखता है तो लू समझ जाता है कि वो तो शेफ है जो अब तक मेरे लिए खाना बना रही थी जिसके खाने को मैं दीवाना हुआ। लेकिन शेंग काम पर आती है तो लोग उससे मिलने खुद चला जाता है और पूछता है जो तुमने अब तक मेरे साथ कुछ भी किया है वो इत्तेफाक था या जानबूझकर तुमने क्या। शेंग में सूस सा चेहरा बनाकर कहती है कि वो सभी इत्तेफाक हो सकता है, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। इसके बाद लू भी केक बनाने को कहकर वहाँ से चला जाता है और शेंग उसके लिए केक बना भी देती है। और जब वह बैठा केक के मजे ले रहा था तभी उसके डैडी की कॉल आती है, उससे कहते हैं कि तुम अब तक शेंघाई में क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ का रेट फाइनल करो, जल्दी से दूसरे होटल के लिए निकलो, वहाँ पर मत बैठ जाओ। वो अपने डैड की ये बात सुनकर उदास हो जाता है क्योंकि उसे शेंग के हाथों के खाने में मज़ा आ रहा था। अगले दिन वो जब वो कॉल करके शेंग को खाना बनाने के लिए कहता है तब उसे पता चलता है कि आज शेंग नहीं है, ये तो वह छुट्टी पर है, इसलिए वो
खाना पीना का सारा सामान लेकर सैम के घर पहुंच जाता है। वो जब गायब हो जाता है तो सैम घर के बाहर आ जाती है और उसे घर के अंदर ले आती है। अंदर देखकर वो काफ़ी हैरान रह जाता है कि सैम ने अपने घर को हाल बहुत ही बुरा बनाया हुआ है। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। उसे सैम का डॉग भी दिखता है जो बहुत खुश से होकर बड़े कपड़े हटाकर बैठा जाता है। वो टेबल पर बहुत सी किताबें हटाकर नीचे रख देता है ताकि वो खाना अच्छे से खा सके। लू ने सैम को लॉबस्टर लाकर दिया था यानी समुद्र में रहने वाला झींगा, जिसके बाद लू सैम को पूरे दिल से डिश तैयार करके देती है जिसे उसके साथ खाना खाने के लिए बैठती है। ओ दरअसल सॉरी, मैं खाना अकेले बैठकर खाता हूँ, मुझे किसी के साथ बैठकर खाने की आदत नहीं है। तुम ऐसा करो कि कहीं और बैठकर खाना खा लो, जो सुनकर सैम को बहुत अजीब लगता है। पर वह फिर भी अपना खाना लेकर किचन में चली जाती है और वो पूछती है कि तुम अपने घर वालों और दोस्तों के साथ मिलकर भी खाना नहीं खाते। जो सुनकर लू बड़ा ही अजीब याद है कि तुम अकेले सोते हो, अकेले नहाते हो, तो फिर उसी तरह मैं बिल्कुल अकेला खाना पसंद करता हूँ। थोड़ी देर बाद जब सैम बाहर आती है तो सब देखती है कि लू वहीं सोफे पर सो गया है। और जब अगले दिन लू की आँख खोलती है तो उसे भी एहसास होता है कि कल रात मेरी आँख लग गई थी और मैं यहीं सोया रहा। वो भी सैम को ढूंढते ढूंढते उसके कमरे में जाता है और देखता है कि अभी तक वो सोई हुई है। फिर वह हर रोज़ लू खाने पीने का सामान लेकर लू के घर पहुंच जाया करते था। उसे खाना बनाने को कहकर जब उन खानों को खाते थे तो वहीं सो जाया करते थे। कई दिन गुजर गए। सैम हर रोज़ एक नई डिश लू के लिए बनाया करती थी। उधर लू के साथ ही सैम को दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब लू सैम के घर पर था तो वह पर बारिश होने लगती। सैम की घर की छतरी इतनी कमजोर थी कि पानी टपकने लगता है। इसलिए लू और सैम दोनों छतरी के लेकर बैठ जाते हैं। अगले दिन ना लू सैम के घर आया और ना ही वो सैम अपने दोस्त के साथ लू के घर पहुँच जाते हैं। उन दोनों को देखकर लू का साथ उन्हें अंदर तो आने देता है, मगर वो सैम को लू से मिलने के लिए मना कर रहा था। इसलिए वो लू से मिलने के लिए खुद ही लू के पास आ जाती है। वो वहाँ एक लड़की को देखती है जो लू को ट्रीट कर रही थी। उसे देखकर वो लू से पूछती है कि ये कौन है, ये मेरे होते हुए आपको खाना दे रही है। जिस पर लू उसे बताते हैं ये मेरी शेफ है। वो शेफ भी सैम को बताती है कि मैं पिछले 7 सालों से इनके लिए खाना बनाती आ रही हूँ। अब लू को भी सैम कहते हैं कि अब ये छुट्टी पर थी इसलिए आया था मैं तुम्हारे पास खाना खाने। ये सुनकर सैम को काफ़ी बुरा भी लगता है, साथ ही उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। तो वो फौरन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वहाँ सैम होटल में काम कर रही थी तो लू की शेफ उसे आकर पूछते हैं कि तुम ये काम कब से कर रही हो। तो उस पर सैम बताती है कि मैं ये काम पूरे 5 साल से कर रही हूँ। वो शेफ कहती है कि अभी तुम मुझसे छोटी हो, मतलब तुम इतनी माही नहीं हो जितनी मैं हूँ, तुम्हें अनाड़ी कह सकते हैं। और लू को तुम्हारे हाथ का खाना भी पसंद है तो मैं तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए। हफ्ते में 5 दिन मैं और हफ्ते में आखिर 2 दिन खाना बनाओगी। वह सैम को एक लिस्ट बनाकर देते हैं जिसमें लिखा था कि लू को क्या क्या खिलाना है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, मगर सैम को उसकी बातों से इतना गुस्सा आ गया था कि वो उस लिस्ट को फाड़ देती है और फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई और लू के लिए खाना बनाए। अब अगले दिन जब वो होटल किचन में थी तभी सीनियर शेफ नहीं आकर सबको शेफ से कहते हैं कि अब तुम लोग खाना बनाना बंद करो, क्योंकि लू की कंपनी ने होटल खरीद लिया है और उन्हें हमसे भी अच्छे और माहिर शेफ चाहिए, इसलिए उन्होंने हम सबको इस होटल से निकाल दिया। जब लू वहाँ आते हैं तब सैम गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और अपना सारा सामान इकट्ठा करने लगती है। तब लू उसके पास जाता है तो सैम उससे पूछते हैं कि क्या तुमने सबको होटल से निकाल दिया है। जिस पर लू कहते हैं हाँ, क्योंकि मैं इस होटल को काफ़ी बड़ा और शानदार बनाना चाहता हूँ, मगर यहाँ पर तुम्हें अपनी शेफ बनाना चाहता हूँ ताकि तुम मेरे साथ रहकर मेरे लिए खाना बनाया करो। जिस पर सैम कहती है मगर ऐसी मेरी एक शर्त है, तुम दो खाने एक साथ नहीं खा सकते, इसलिए तुम्हें हम दोनों में से मतलब उस शेफ और मुझमें से किसी एक को चुनना होगा। अगर तुम मेरे मंजूर नहीं तो क्या हम सब शेफ तुम्हारे इस बड़े लेवल वाले होटल में काम नहीं कर सकते। तुमने सभी को निकाल दिया, क्यों कोई जज्बात एहसास इंसानियत तुम्हारे अंदर है या नहीं, आखिर तुम कैसे सबको निकाल सकते हो। यह कहते ही वह रोने लगती है और जो सुनकर लू को कहता है कि यह तो फ़र्क है मुझ में और तुम्हारी, मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता, मेरा काम है लोगों को निकाल कर उनकी जगह और अच्छे लोगों को लाना, मैं ऐसी बेकार लोगों अपने पास रख कर अपना नुकसान नहीं करवा सकता। मुझे सुनकर सैम भी कह देती है कि ठीक है फिर मैं भी तुम जैसे खुदगर्ज इंसान के लिए काम नहीं कर सकती हूँ जिसके अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज़ ना हो, और इंसान को सिर्फ जज्बात इंसान में है, तुम्हारे अंदर जज्बात नहीं तो तुम इंसान कह आ नहीं सकते, तुम तो एक जानवर हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सैम को पता लग चलती है तो वह अपने दोस्त के सामने बहुत रोती है और कहती है कि मुझे अफसोस हो रहा है, लू के साथ मैंने बहुत बदतमीजी की है, वो मुझे बहुत पसंद करते थे, वो मैं उनके लिए
खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता था। काश कि मैं उन्हें बता सकती कि शायद मैं उनसे प्यार करती हूँ। वो मुझे अच्छे लगते थे, बार बार मेरे जहन में आ रहे हैं या उनके बारे में सोच सोच कर तो मैं पागल ही हो रही हूँ। जब लू लंदन पहुँचते हैं तब उनकी शेफ उनके लिए खाना लाती है, मगर लू हमेशा खाने पर टूट पड़ने की बजाय आराम से बैठे रहते, खाना नहीं खा रहे थे बल्कि काफ़ी उदास थे। फिर अगले दिन जब लू अपने डैड के से मिलता है तो वह पूछता है कि सैम भाई, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम वहीं रह गए? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा डील करके फ़ौरन वापस आ जाया करो, वहीं मत बैठा रहा करो। तुम उनके जवाब में लू कहता है, डैड कितने दिन हो गए हमने एक साथ मिलकर खाना नहीं खाया, चलिए एक साथ बैठ कर खाना खाते हैं। जब वो खाना खा रहे थे तब लू अपने डैड से पूछता है कि शायद कभी किसी से प्यार किया है? अब उस पर वो कहते हैं, हाँ सबसे ज़्यादा प्यार मैंने तुम्हारी माँ से किया, पर अब तुमसे करता हूँ। तब लू अपने साथियों को बोलकर कहता है कि हम न्यूयॉर्क जाने से पहले शंघाई होते हुए जाएंगे। सेंग भी बेरोजगार डॉग के साथ सड़क भटक रही थी। जैसे ही वो लू की दी हुई घड़ी को बेचने जा रही थी तो घड़ी बजने लगती है, जिसे काफ़ी हैरानी होती है, जो इस बात की लामत थी कि लू भी आसपास ही है। फिर फौरन ही उसे लू की गाड़ी दिख जाती है, उसमें बैठे लू पर जैसे ही उसकी नज़र आती है वह काफ़ी दुखी हो जाती है, इसलिए वो गाड़ी लेकर फौरन वहाँ से चली जाती है। वो फिर लू से बचते हुए सब्जी की मार्केट जाकर छुप जाती है। तब लू उसका पीछा करते करते वहाँ भी आ जाते हैं, वहाँ उन्हें शेंग का डॉग दिख जाता है, जिससे वो कहते हैं अगर तुम मुझे शेंग के पास ले चलो तो मैं तुम्हें मज़ेदार खाना खिलाऊंगा। जिसके बाद डॉग लू को अपने पीछे शेंग के पास ले जाता है, मगर शेंग ने तो खुद को शीशे के कमरे के में बंद किया हुआ था। लू उससे कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है, जिस पर शेंग कहती है नहीं मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मैं आपसे नफरत करती हूँ, चले जाइए अपनी उसी शेफ के पास, क्योंकि आज के बाद अब मैं आपके लिए कुछ बनाने वाली नहीं हूँ। जो सुनकर लू कहते हैं कि तुम मेरे लिए सिर्फ शेफ नहीं उस बल्कि तुम बहुत ही खास हो, असल में तुम्हें बहुत ही पसंद हूँ, जल्दी खोलो दरवाज़ा। जो सुनकर शेंग शर्माने और हंसने लगती है और कहती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, अगर आप बताएंगे तभी दरवाज़ा खोलूँगी मैं। जिस पर लू ये कहते थे कि हाँ तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। ये सुनकर शेंग को इतनी खुशी होती है कि वह झट से दरवाज़ा खोल। अब लू यहाँ से लेकर चले जाते हैं वो उसे एक घर में लाए थे, जिसके बाद वो दोनों बालकनी में जाकर बैठ जाते, क्योंकि ये लू की पसंदीदा जगह थी। दोनों ही डूबते सूरज को देख रहे थे क्योंकि ये सब देखना दोनों को ही बहुत पसंद था। तो शेंग यहाँ बहुत खुश थी और जब यहाँ अगर उन्होंने अपने प्यार का इजहार कर दिया साथ ही एक दूसरे को लेकर उनके जज्बात है वो भी बता देते हैं। वो फैसला करते हैं कि क्योंकि हम प्यार करते हैं जल्दी शादी कर लेंगे और हंसी खुशी ज़िंदगी जिएंगे। जिसके बाद ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।